तो वहीं छिंदवाड़ा में रोड शो के दौरान सीएम शिवराज का अलग अंदाज देखने को मिला है। जब वो कुछ दिन पहले ही मिले एक दिव्यांग भांजी को पहचान गए और उसे गुलाब का फूल भेंट किया। देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ के गढ़ में शिवराज रोड शो के जरिए भरी हुंकार, छिंदवाड़ा में दिखा मामा का अनोखा अंदाज। जी हां, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने रोड शो किया। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज का जोरदार स्वागत किया गया। जिन सड़कों से सीएम का काफिला निकला वहां वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। कोई सड़क किनारे तो कोई छत की बालकनी में सीएम के स्वागत में खड़ा नजर आया। फूलों की बौछार के बीच सीएम का काफिला आगे बढ़ता गया। हालांकि हाल ही में सीएम ने छिंदवाड़ा में एक और सभा भी की थी। बहरहाल सीएम शिवराज जहां भी जाते हैं वहां उनके खास फैन फॉलोअर्स तो होते ही हैं। साथ ही सीएम का अंदाज भी ऐसा होता है कि उनके चाहने वाले खुशी से गदगद हो जाते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ट्राई साइकिल पर एक दिव्यांग भांजी अपने मामा का शुक्रिया अदा करने आई है। भांजी के हाथ में एक बोर्ड भी है जिसमें लिखा है, धन्यवाद मामा। दरअसल इसके पहले सीएम जब छिंदवाड़ा आए थे तो उन्होंने इस दिव्यांग बच्ची को ट्राई साइकिल भेंट की थी और जब भांजी मामा का शुक्रिया अदा करने आई तो मामा देख अपनी भांजी को पहचान गए और उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया। हालांकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई थी। भांजी को आशीर्वाद देकर एक क्षण के लिए मामा आगे बढ़े और फिर वापस मुड़कर अपनी भांजी को गुलाब का फूल भेंट किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मामा अपनी भांजी को गुलाब का फूल भेंट कर रहे हैं। बहरहाल सीएम शिवराज का यही अंदाज बताता है कि यूं ही नहीं वो मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता है। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं इंदौर में निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने संकल्प पत्र 2022 का विमोचन किया और सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के अलावा सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशी भी उपस्थित थे। संकल्प पत्र में नागरिकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का भी वादा किया गया और जबकि बीजेपी ने सभी जगह ग्रीन सिटी क्लीन सिटी का कॉन्सेप्ट लागू करने की घोषणा कर दी। देखिए, इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में जितने बड़े शहर नगर पालिकाएँ हैं वो सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सपनों का शहर है और किसी भी शहर नगर पालिका या क्षेत्र में जब तक हरित क्रांति नहीं आएगी, जब तक सब कुछ क्लीन और ग्रीन नहीं होगा, सारे हर प्रकार का विकास उसी के आधार पर टिका हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र के साथ साथ ये भी संकल्प दिलाया कि हम क्लीन और ग्रीन सिटीज़ बनाएंगे।